तो जी राम राम, नमस्कार, स्वागत है एक बार फिर आपका अपने YouTube चैनल पर। मैं आपका दोस्त रोहित लांबा, और उम्मीद है आप सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, खुश होंगे। भाई मतलब हमने हरियाणा में और हरियाणा बाहर भी, मतलब ऐसा कोई बंदा नहीं होगा जिसने बचपन में या कभी भी चंद्रावल फिल्म ना देखी हो। चंद्रावल जो पहली फिल्म थी वो हर इंसान ने देखी है, और मैंने भी देखी है, खुद के घर ही नहीं, पड़ोसिया घर ही जाजा की देखी भाई। टीवी हम उस टाइम टीवी नहीं हुआ करते, खुद के घर में तो मोहल्ले में एक ये टीवी हुआ करता है, गांव में एक टीवी हुआ करता, गांव में जाया करते भाई चंद्रावड़ा होगी, चंद्रावड़ा होगी। तो चंद्रावड़ का क्रेज़ था, और चंद्रावड़ में दो आर्टिस्ट थे, रुंडा और खुंडा, उनका एक अलग क्रेज़ था। तो उस मत जो खुंडा जी हैं, रुंडा जी हैं, उनके घर पर भाई आप आ रहे हैं आज, और क्योंकि उनकी डेथ होगी, जो कि एक शानदार आर्टिस्ट थे और गजब के इंसान थे भाई, तो उनकी डेथ होगी, उनके अजीज मित्र सारे दोस्त और उनके सुपुत्र श्री सोनू कुंडू जी हमारे साथ में हैं। तो इन तापा बातें करेंगे उनके बारे में। नसीब कुंडू नाम था उनका वैसे, जो रियल नाम था, लेकिन वो अपने उस करेक्टर की वजह से फेमस थे पूरे हरियाणा में, और हरियाणा से बाहर भी हर जगह पर उनको जाना जाता था। और उनका करेज आज भी है उस फिल्म का, आज भी लोग अगर वो थिएटर में लग जाए तो फिल्म हिट है, उसको कोई नहीं रोक सकता, इतना उस फिल्म का करेज था। सोनू भाई राम राम, स्वागत है चैनल पर। राम राम भाई जी, कैसे हो सोनू भाई? बिल्कुल एकदम बढ़िया, भगवान की कृपा है। सोनू भाई पहले तो बताइए कैसे क्या हुआ नसीब जी के साथ में? देखो सबसे पहले तो मैं, जितने भी हमारी जनता इस चैनल को देख रही है, मैं सभी को नमस्कार करता हूँ। और जो मैं, आप जो सवाल पूछ रहे हो पापा के बारे में, तो देखो ऐसा कि उन्होंने काफ़ी सारी फिल्मों में काम किया, और हमारे इन फिल्मों में काफ़ी उनको भाई क्या नाम, सफलता भी प्राप्त हुई, उनको एक अच्छी पहचान मिली, जिसे जिन पर हमें भी गर्व है हमारे पिताश्री पर, अगर उन्होंने हरियाणा के मान सम्मान के लिए इतना कुछ अपना बलिदान दिया, अपने फोक को इतना बलिदान दिया जी। तो आखिर में दिक्कत क्या हुई, क्या मतलब डेथ हुई उनकी, कितनी तारीख को हुई, कैसे क्या हुआ? ये ऐसा होगी, पिछले 9 जो तारीख थी महीने की, उस दौरान में पापा की तबीयत कुछ ज़्यादा हालात से ख़राब हो गई थी उनकी, तो हमने एकदम से उनको इमरजेंसी, हम उनको मान हॉस्पिटल के अंदर लेके गए, तो वहाँ पर जो उनका ट्रीटमेंट चला, तो उसमें हमें ट्रीटमेंट के दौरान पता चला कि उनकी किडनियाँ जो हैं वो 80% फेल हो चुकी हैं, और उनको ऊपर से काफ़ी समय से उनको शुगर से भी वो परेशान थे, तो इन तकलीफ़ों के चलते ही उनको बस, उन्होंने पिछले 9 तारीख को महीने की उसमें वो एडमिट हुए थे, पिछले महीने 9 तारीख को, और इस महीने के 9 तारीख को उन्होंने अपना इस अपने दुनिया से अंतिम सांस उन्होंने ली। मिलने की भाई बड़ी तमन्ना थी, काफ़ी बार मैंने कोशिश भी की कि कांटेक्ट करूं, क्योंकि पुराने आर्टिस्टों से भी मिलने का बड़ा चाव रहता है, जैसे उनकी क्रेज़ है भाई, जो नए आर्टिस्ट हैं उनका तो है ही है, लेकिन उन आर्टिस्टों का एक अलग ही क्रेज़ है लोगों में, क्योंकि पुराने टाइम के जो मतलब ज़्यादा एज्ड बंदे हैं वो भी देखते हैं, और युवा लोग भी देखते ही देखते हैं। तो उनका और उनके साथ ही कलाकार भी आज हमारे साथ में है, तो ये भी उनके बारे में बताएंगे हमें और हमारे दर्शकों को। सर राम राम, स्वागत है चैनल पर। नमस्कार भाई साहब जी, मैं रोहतास नागर टटोली परिवार का दिल से नमन करता हूँ, और हमारे आदरणीय दिलों की धड़कन सभी के प्यारे दुलारे आदरणीय नसीब सिंह कुंडू से मैं एक बार नहीं हजारों हजार बार मिला हूँ। उनको हरियाणवी फोक संगीत के बारे में इतना नॉलेज था, इतना ज्ञान था, हमारे मतलब गुरु दादा गुरु हमारे स्वरूपलाल जी वो उनकी प्रणाली से संबंध रखते थे। सोनी, अलीबख्श, नसीरा, छोटा देश, बड़ा देश, बेरे तबिल, इन सभी हरियाणवी गायकों की जो ओरिजिनलिटी थी वो हमारे आदरणीय नसीब सिंह कुंडू के अंदर विद्यमान थी। तो मैं टटोली परिवार का और भाई साहब सोनू कुंडू का, खान साहब बैठे हमारे माने जाने सोटी से, आदरणीय श्री रमजान खान जी के फरजंद, और भाई साहब आदरणीय धर्मेंद्र सिंह जी नंदाणा से, बहुत अच्छे माने जाने छोटा धनपत जिसको कहते हैं, भाई साहब तकदीर जी बहुत अच्छे, ये भी मेरे भाई साहब जी, तो मैं सर्वप्रथम सभी बिरादरी का, भेख बिरादरी का नमन करता हूँ, और इनके चरणों में ये बार बार अरदास करता हूँ, हे परमात्मा ये सभी मुस्कुराते हुए चेहरे सभी इसी तरह संगीत की दुनिया को आगे से आगे ले जाएँ और बुलंदियों को छुएँ, सदा ये तंदुरुस्त रहे, और ये चैनल को मैं बार बार नमन करता हूँ। अगेन उन्होंने रोहतास नागर को आमंत्रित किया, इस थैंक यू सर, शुक्रिया, प्रोग्राम में शरीक किया, आपका बड़ा बड़ा धन्यवाद, आप खुश रहो, आबाद रहो। उनके जाने के बाद ही भाई इतनी दुआएं मिल रही हैं उनको, इतनी तारीफ होती है इंसान के जाने के बाद भी, तो वही उनकी कमाई है, असली कमाई जो है वो जाने के बाद ही पता चलती है, आज भी मतलब ये चीज़ पता चल रही है। सर स्वागत है चैनल पर। राम राम। नमस्कार जी सबको। सर कैसा नेचर था, आप भी मिले होंगे उनसे काफ़ी बार नसीब जी से, कैसा नेचर था मतलब उनका? मेरे मामा जी थे, बहुत ही अच्छे कलाकार थे, हमारे को बहुत ही अच्छी अच्छी बातें सिखाते थे, लेकिन उनकी बातों को सुन सुन कर हमें भी थोड़ा बहुत
कलाकारी का अंदाज मिला, लेकिन बहुत ही अच्छे थे। मरने के बाद में मेरे मामा जी का हमें बहुत दुख है और बहुत याद आते। धन्यवाद। राम राम सर, स्वागत है चैनल पर। जय राम जी की, नमस्कार। आपकी कैसी यादें हैं सर नसीब जी के साथ में? बस एक हरियाणा प्रदेश की जो कला और संस्कृति को बहुत बड़ा एक आघात है, नुकसान हुआ है आज कि हमारे हरियाणा प्रदेश के कुछ छोटी उम्र में इतने सुपरहिट कलाकार फिल्मों के रहे, लोक संगीत के और लोक दुनिया के तो बादशाह थे कि 21 साल की उम्र में ही जो उन्होंने एक सुपरहिट फिल्म में काम किया और वो हिट गई, उनके करेक्टर को बहुत सराहा गया, उनसे से बहुत फेमस हुए। आज हज़ारों की तादाद में लोग आए हैं, उनकी आत्मा को शांति दे भगवान प्रार्थना के लिए, और मैं भी इसमें शामिल हुआ कि मालिक उनको आत्मा को शांति दे। लेकिन जो आघात हमें पहुंचा है हरियाणा प्रदेश की, मैं भी एक कलाकार हूँ, लोक कलाकार हूँ, वो किसी भी हालत में पूरा नहीं किया जा सकता। बिल्कुल भाई, ये तो है। जो गायकी थी उसका एक अलग ही रूप था जी। और जो उनके लेखने की ताकत थी वो एक अलग ही कलम थी, वो एट ए टाइम जो है ना स्पॉट पे ही, एट स्पॉट सेट पे ही वहीं डायलॉग तैयार कर देते थे और वहीं यू नो परफॉर्म कर देते थे, जो कि एक डायरेक्टर के लिए, निर्देशक के लिए बहुत ही बड़ा मेहनत का काम होता है। उनकी बहुत सारी खूबियां हैं, मैं आपके चैनल के माध्यम से जैसे मुझे आपने इसका सम्मान दिया, इसका आपका धन्यवाद करता हूँ। धन्यवाद सर, आत्मा के लिए शांति का मैं प्रार्थना करता हूँ। सर स्वागत है चैनल पर। जनाब कैसे हैं सर? बढ़िया, ये तो मैं पकड़ लूँगा जी। कैसे हैं सर, कैसे हैं? ऊँचा सुना? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। मेरे नसीब जी कोंडू थे जी, मेरे रिश्तेदार थे जी, माने करामे आदमी थे, उन्होंने अच्छी फिल्मों में काम किया चंद्रौल में जी, और उन्होंने बहुत अच्छा नाम कमाया जी। मैं उनके साथ रहा हूँ कम से कम साल भर, वे बहुत अच्छे कलाकार थे, और हम उम्र थे, हम उनका रिश्ता मेरा बहुत पुराना है। मेरे दो भाई हैं और मेरी बहन भी उनके, तो बहुत ही अच्छे इंसान थे, गाने बजाने का जवाब नहीं था उन लोगों का, बहुत तो बढ़िया। उनका भाई वो गाना भी बड़ा हिट हुआ था गड्ढे वाले का, जमन छोरी फिल्म का भाई वो क्या गजल का गाना था, वो आज भी सुना था मज़ा आया, और वो सुनते हैं लोग आज भी, वो वायरल है। तो सोन भाई, ये तो बात हुई उनके नेचर के बारे में। अब सर सरकार से भी, क्योंकि एक एज ए बहुत बड़े आर्टिस्ट थे वो, इतने पुराने कलाकार, सरकार से क्या कुछ मदद मिली है सर, क्या कुछ है? देखो हमारे लिए बहुत बड़ी खुशी की बात है एक चीज़ की, कि सरकार को जैसे आज हमारे जैसे सरकार के कुछ हमारे अधिकारी जैसे गजेंद्र फोगाट जी भी आज हमारे परिवार के साथ मिले जी। उन्होंने हमारे परिवार को अपना आश्वासन दिया कि भाई सदैव सरकार हमारे परिवार के साथ रहेगी जी। और ऐसे ही हमारे जैसे अपने हरियाणा कला परिषद के जो निदेशक हैं संजय भसीन जी, उन्होंने भी उनकी तबीयत ख़राब होने की वजह से वो नहीं आ पाए, मगर उन्होंने संदेश व्हाट्सएप पर छोड़ दिया था कि बेटा मेरी तबीयत जैसे ठीक होगी तो मैं जरूर आऊँगा, जो मेरे लायक जो भी मुझसे सहायता आपके परिवार के लिए मतलब जैसे रहेगा, मैं हम लोग आपके साथ सदैव, आपके कलाकार परिवार के साथ सदैव हम साथ में हैं। और ऐसे ही हमारे साथ जैसे अरविंद शर्मा जी, डॉक्टर अरविंद शर्मा जी हमारे एमपी साहब, उन्होंने हमारे को बहुत ही सहायता की, हमारे पिताजी की अंतिम इच्छा थी उनकी कि वो एक इंटरव्यू दें, उन्होंने इंटरव्यू में उन्होंने डॉक्टर अरविंद शर्मा जी हमारे एमपी साहब का जिक्र किया जी, जो हमारे रोहतक ज़िले के एमपी हैं। तो जब उनको ये पता लगा, उन्होंने इंटरव्यू देखा, तो उसमें उन्होंने उनका हमारे पास कॉल आया और उन्होंने जितनी भी जो उनसे मदद हो सकी उन्होंने हमारे को पूरी पूरी हमारे को मदद दी। मगर अब मैं एक छोटी सी और अपनी सरकार से या एमपी साहब से हमारे मैं एक छोटी सी एक गुहार लगाना चाहूँगा कि हमारे पापा के चलते एक पापा का इंक्रीमेंट का एक विभाग से कुछ कुछ ये चला हुआ सिस्टम उनका, कोई इंक्रीमेंट का है कुछ केस चला हुआ उनका, तो वो जो कि है कि वर्षा खनकवाल जी हैं चंडीगढ़ में हैं, वर्षा खनकवाल जी वो ADPR हैं। तो मेरी MP साहब से हाथ जोड़कर प्रार्थना है कि वो जो पापा की जो इंक्रीमेंट है जो वो लागू होनी है, तो उनको अगर जल्द से जल्द हो जाए तो हमारे परिवार में कोई जैसे भविष्य में आगे कोई ऐसा संकट ना आए या हमें किसी परेशानी का सामना ना करना पड़े, तो इस करके अगर हमारे ये इंक्रीमेंट का अगर काम ये जो जल्दी से हो जाए तो हमारे परिवार को कुछ ना कुछ हमारे को कुछ ना कुछ ये एक सहायता के रूप में हमारे को प्रदान हो जाएगी। बिल्कुल जी, तो ये भाई सरकार को करना चाहिए भाई, ताकि आर्थिक स्थिति भविष्य में ना बिगड़े और इनके बच्चों को आगे परिवार में परेशानी ना आए,
इसलिए ये फर्ज बनता है सरकार का, क्योंकि इतने बड़े आर्टिस्ट, इतना टाइम उन्होंने दिया हरियाणा को। ये 16 साल की सर्विस की इंक्रीमेंट रुकी हुई है पापा की, जो कि डिपार्टमेंट भी इस चीज़ को एग्री करता है कि इनकी ये मिलनी चाहिए इनको। बस वो केस अभी थोड़ा, वर्षा खंडवाल मैडम से भी मेरी हाथ जोड़ के प्रार्थना है कि वो अपने इसको इसमें अपने नेतृत्व में लेके आएँ, और जो इतना टाइम समय अभी तक लगा है, अब तो पापा भी नहीं रहे तो हमें भी ऐसा ना कि भाई मम्मी को ज़्यादा परेशानियों का सामना करना पड़े, ज़्यादा भागदौड़ करनी पड़े। मेरे वर्षा खनगवाल मैडम से भी मेरी प्रार्थना है कि वो इस केस को जितना उसके जल्दी से जल्दी हैंडल करे, जिससे हमारी आर्थिक स्थिति कुछ उसमें हमारे को सहयोग मिले, परिवार को परेशानी ना हो, ऐसा सरकार को करना चाहिए। कामिल भाई भी आएंगे, और ये देखो ये कामिल भाई हैं कैमरा के पीछे, ये भी आएंगे। कामिल भाई स्वागत है चैनल पर, राम राम। राम राम आप सभी को मेरा। कैसे हैं कामिल भाई? बढ़िया बढ़िया, आप सुनाइए। बस सर आए हैं अभी आपकी नगरी में, क्या कहेंगे सर नसीब जी के बारे में, कैसा नेचर, क्या याद है आप? सर मैं तो यही कहना चाहूँगा कि जो हमारे एक हरियाणा को पहचान देने वाली बहुत ही बड़ी हस्ती आज इस दुनिया में नहीं रही, हम उनको शत शत नमन करते हैं, क्योंकि हरियाणा को एक बहुत ही अच्छी पहचान दिलवाई उन्होंने। बहुत सी फिल्मों में कार्य किया, जैसे लाडो बसंती, चवन्नी अठन्नी, जर और जर जोरू और जमीन, चंद्रावल जैसी फिल्मों में, बहुत सी फिल्मों में उन्होंने कार्य किया है, और वो आज हमारे बीच नहीं रहे, हम बहुत दुख है इस बात का। और हम सरकार से यही गुजारिश करेंगे कि उनके परिवार की जितना भी हो सके उतनी मदद की जाए। बिल्कुल सही बात है जी भाई, ये तो है ही सरकार। तो सरकार से भाई यही गुजारिश है कि जो भी ये कह रहे हैं, जो भी केस इनका, वो जल्दी से जल्दी निपटाया जाए, क्योंकि इनकी पत्नी को और आने वाले भविष्य में कुछ परेशानी ना हो। तो सरकार से गुजारिश है हाथ जोड़ के, और दर्शकों की भी है भाई, क्योंकि जो ऑडियंस है वो भी बहुत प्यार करती थी उनको, इसीलिए उनका इतना करेज था। हमें तो जब इस चीज़ का ये लगेगा भाई हमारे पिताजी के लिए कुछ, भाई हमारे भाई इतना हमारे पिताजी ने नाम कमाया हरियाणा के लिए, इतना काम किया अपने फोक के ऊपर, तो हम ये सोचेंगे भाई हमारे को सरकार ने हमारे को ये कुछ दिया, हमारे को अगर ये हमारा केस ये जल्दी फ्री हो जाता है तो हम सोचेंगे हमारे को सरकार ने हमारी मदद करी, हमारे को कुछ ना कुछ हमारे को दिया। तो हमारी सरकार से कोई शिकायत नहीं रहेगी, रहेगी बस सिर्फ एक यही प्रार्थना कि जितना जल्दी हो सके ये इंक्रीमेंट वाला जो केस है ये जल्दी से जल्द हमारा अगर निपट जाए तो हमें इससे राहत मिल जाएगी। बिल्कुल सोनू भाई, और सरकार जल्दी इस पर संज्ञान मिलेगी भाई, क्योंकि इतने अच्छे आर्टिस्ट को मतलब करना चाहिए सरकार को भी कि उनकी फैमिली को प्रॉब्लम ना आए, इतने साल उन्होंने हरियाणा को दे दिए, हरियाणा की संस्कृति को दे दिए, आगे बढ़ाने के लिए दे दिए, तो सरकार का ही फर्ज बनता है कि उनके परिवार के लिए इतना सा तो किया जाए। और आप क्या कहेंगे कमेंट बॉक्स में भाई डाल लें, कितनी बार आपने चंद्रावड़ देखी है, उनकी जो प्यारी यादें हैं और फिल्मों की यादें जितने भी आपने सुना है उनको, उनकी सारी यादें नसीब जी की आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर डालें, और शेयर कर दीजिए इस वीडियो को ताकि लोगों तक ये वो पहुँच जाए। और सरकार से एक बार फिर से रिक्वेस्ट कि जो भी इनका केस है उसको जल्दी से जल्दी सॉल्व किया जाए। और बाकी तो आप लोग बहुत समझदार हो, बहुत प्यार दे रहे हो, ऐसे ही प्यार देते रहो, अगर नए हो तो सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को शेयर कर दो। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी लोगों का वीडियो देखने के लिए।